मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जा सकते हैं, यूपी दिल्ली हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला है, उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही नहीं, यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। साथियों, आज देश में जितनी तेजी से
एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। आप कल्पना कीजिए, आज भी हम अपने 85% विमानों को एमआरओ सेवा के लिए विदेश भेजते हैं और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने वाला है, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। भाइयों और बहनों, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी।